बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। ओके, पिछले लेक्चर को तुम लोगों ने गो थ्रू कर लिया। आई होप कि वो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में ओपियोइड एगोनिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, और डेफिनेटली इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो मॉर्फीन है, और इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ बेसिकली कंटेन्ड इन क्रूड ओपियम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट एट न्यू रिसेप्टर। कोडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रूड ओपियम बट इन लो कंसेंट्रेशन, एंड दैट इज लेस पोटेंट। ओके, मेकिंग द कोडीन द प्रोटोटाइप ऑफ वीक ओपियोइड एगोनिस्ट। सो मॉर्फीन इज पोटेंट एंड कोडीन इज वीक टाइप ऑफ द ओपियोइड एगोनिस्ट। करेंटली अवेलेबल ओपियोइड हैव वेरियस डिफरेंट इन रिसेप्टर अफिनिटी, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स, अवेलेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल्स। कंपेयरिंग अदर अवेलेबल ओपियोइड्स टू मॉर्फीन इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द यूनिक डिफरेंसेस टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ अ सेफ एंड इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट रेजिमेन। ये लिपिनकॉट को जो मैंने LMS पे अपलोड किया है ना, उसी की फिगर 14.5 मेंशन है। आप उसमें इन तमाम को गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या उनके इफेक्ट्स हैं पेन की मैनेजमेंट में। ठीक है, ओके, लेट्स सी द मॉर्फीन। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड मॉर्फीन एंड अदर ओपियोइड एक्सर्ट देयर मेजर इफेक्ट बाय इंटरैक्टिंग स्टीरियो स्पेसिफिकली विद ओपियोइड रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन सेल इन द CNS एंड अदर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सच एज GIT एज वेल एज यूरिनरी ब्लड। ठीक है, मॉर्फीन ऑल्सो एक्ट एट कैपा रिसेप्टर्स इन लेमिना 1 एंड 2 ऑफ डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, एंड इट डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ सब्सटांस पी। सब्सटांस पी क्या है? सब्सटांस पी बेसिकली पेन की मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व होता है। यानी यूँ समझो कि सब्सटांस पी जितना ज़्यादा होगा तो पेन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो मॉर्फीन है या इनसे सिमिलर एजेंट्स हैं, ये बेसिकली सब्सटेंस पी जो कि नेचुरली रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको ये डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेन की परसेप्शन भी कम हो जाती है। एंड मॉर्फीन ऑल्सो अपीयर टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ मैनी एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम नर्व टर्मिनल कैरिंग नॉसीसेप्टिव और पेनफुल स्टिमुलाई। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये है कि ये इस तरह के सब्सटेंसेस को, जैसे सब्सटेंस पी है जिससे पेन इंक्रीज होता है, उनको इनहिबिट करता है, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी नर्व टर्मिनल से जहाँ से पेनफुल स्टिमुलाई जेनरेट होते हैं, मॉर्फीन उनको भी साथ साथ में ब्लॉक कर देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से ली है, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मुझे बहुत पसंद आई। सो मैंने इन लोगों इसको आप लोगों के लिए सेव किया यहाँ पर, और इसको अगर आप देखें तो आपको मॉर्फीन के मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों। जितने भी ओपियोइड्स हैं ना, उनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, और ये डायग्राम वैसे लिपिनकॉट से ही बनाई गई हुई है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, तो ये देखो, इसमें दो तरह के आपको न्यूरॉन दिखाए जा रहे हैं। ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, जो साइनेप्स से पहले है और ये साइनेप्स के बाद है। अब देखो कि ये पेन जो है, ये पेन यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये फर्स्ट टारगेट है मॉर्फीन्स का, जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर है। एक मिनट, ये रेड कलर इसमें बहुत आ रहा है तो इतना क्लियर नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसमें हम पर्पल को पिक कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। ये देखो, फर्स्ट टारगेट क्या है? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल, जो अभी मैंने तुम लोगों से डिस्कस भी किया। ये देखो, ये कैल्शियम यहाँ एंटर हो रहा होता है। तुम लोग रिकॉल करो थोड़ा सा कि न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर जेनरेट होता है। तो ये एंट्री ही ब्लॉक हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट यानी मॉर्फीन या ओपियोइड्स ये काम कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल्स को यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, कैल्शियम की एंट्री बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर बाइंड करके ये इफेक्ट दे रहे हैं।
यहाँ पर भी ये देखो ओपियोइड के रिसेप्टर्स हैं, यहाँ इन्होंने बाइंड किया, ये इनका सेकंड टारगेट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो कि बाद में है। और यहाँ पर जो मैंने तुम लोगों को ये भी अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि पोटेशियम का आप देखें ई फ्लक्स बढ़ाते हैं, ठीक है, जब कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर नहीं जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट होगा, और जब पोटेशियम सेल से बाहर नहीं निकलेगा तो अगेन हाइपरपोलराइजेशन होगी, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ब्लॉक होगा। इस तरह ये पेन में इफेक्टिव होते हैं और पेन को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही काम जो एंडोजेनस है ना, एंडोर्फिन, डाइनोर्फिन, एनकैफेलिन, वो भी इन रिसेप्टर से बाइंड होकर यही कुछ कर रहे होते हैं जो एंडोजेनस हमारे पास ओपियोइड्स मौजूद हैं, इसीलिए उनको एंडोजेनस कहा गया कि वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लस वो उन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और नेलोक्सेन जो इनका एंटागोनिस्ट है उसी से ब्लॉक हो जाते हैं। सही है बच्चों? तो ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ लेना। और मैंने एक क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए यहाँ कि आपने मुझे थेरापीटिक यूजेस बताने हैं मॉर्फिन के और दूसरे ओपियोइड्स के, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट कुड बी द थेरापीटिक यूजेस ऑफ मॉर्फिन एंड अदर ओपियोइड्स, पेन तो है ही है, इसके अलावा क्या है, ठीक है। तो आप मुझे इनके थेरापीटिक यूजेस बताइए। ओके, अब हम एक्शन देखते जाते हैं। एक्शन से तुम खुद थेरापीटिक यूजेस निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वो एनल्जेसिक है तो डेफिनेटली उसका थेरापीटिक यूज़ किया है। देखो एक्शन जो होता है ना, वहीं से उसका थेरापीटिक यूज़ बनता है, वहीं से उसके एडवर्स इफेक्ट बनते हैं। तो अगर कोई एजेंट एनल्जेसिक है तो इसका मतलब उसका थेरापीटिक यूज़ क्या हुआ, इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन, ठीक है। तो ये अच्छा, ये सब आप लोग पढ़ लें और ये सारा रीडिंग बेस्ड है ये मटेरियल, ये कुछ इतनी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें इसमें है नहीं, जो थी वो मैंने समझा दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ख़ासतौर पर। तो एनल्जेसिया इसका इफेक्ट है, मॉर्फिन एंड अदर ओपियोइड कॉज एनल्जेसिया यानी रिलीफ ऑफ पेन विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिलीफ पेन बोथ बाय रेजिंग द पेन थ्रेशोल्ड एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल एज वेल एज बाय अल्टरिंग द ब्रेन्स परसेप्शन ऑफ पेन, दोनों वजह से ये दोनों इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट ट्रीटेड विद ओपियोइड आर स्टिल अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेन बट द सेंसेशन इज नॉट अनप्लेजेंट एंड मैक्सिमम एनल्जेसिक एफिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओपियोइड एगोनिस्ट इज शोन। ये अगेन लिप्टन कॉर्ड की फिगर 14.7 है, उसको तुम लोग गो थ्रू कर लो, मैं तुम लोगों को दिखा भी दूंगी इसमें और आप उसमें गो थ्रू कर लें। ये उसमें ये बताया गया कि कौन सा एजेंट सबसे ज़्यादा एनल्जेसिक है, कौन सा कम है, कौन सा उससे कम है, इस चार्ट को ज़रा आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों यूफोरिया। एक्शन जो है इनका, मॉर्फिन प्रोड्यूस अ पावरफुल सेंसेशन ऑफ कंटेनमेंट एंड वेलबींग, यूफोरिया मे बी कॉज्ड बाय द डिसइनहिबिशन ऑफ डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन ऑफ वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, और डिसइनहिबिशन का मतलब है लॉस ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। रेस्पायरेशन, आपको पता है मॉर्फिन रेस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है और दिस कैन ऑल्सो अकर विद ऑर्डिनरी डोजेस ऑफ द मॉर्फिन हु आर ओपिएट नेव एंड कैन बी अटेन्यूएटेड एज द डोज इज इंक्रीज अंटिल अल्टीमेटली रेस्पायरेशन सीजेस, ठीक है। तो रेस्पायरेशन यहाँ तक के रोक सकती है। रेस्पायरेटरी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अक्यूट ओपियोइड ओवरडोज, और टॉलरेंस क्विकली डेवलप होने लगती है जो लोग मॉर्फिन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फिन ट्रीटमेंट के पेन में हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसका जो टॉक्सिसिटी है उसको भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इफेक्ट है मॉर्फिन का डिप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स, कफ के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको ये डिप्रेस्ड कर रहा होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका थेरापीटिक यूज़ क्या हो सकता है, जब कफ को सप्रेस कर रहा है तो आप इसको कफ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंटी कफ एजेंट के तौर पर। इसके अलावा ये मियोसिस करता है, और ये इसका रीजन है स्टिमुलेशन ऑफ म्यू एंड कैपा रिसेप्टर। लिपिन कॉर्ड में आई की पिक्चर दिखाई हुई है, उसको तुम लोग देख लो, वो बुक भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद है एमिसिस, और स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इन द एरिया पोस्ट्रीमिया डेट कॉज द वॉमिटिंग, तो ये वॉमिटिंग कॉज करवा सकता है, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में रिलीफ करेगा डायरिया को, क्यों, बाय डिक्रीजिंग द जीआईटी मोटिलिटी एंड इंक्रीजिंग द टोन ऑफ इंटेस्टाइनल सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ओके। और जाहिर है कि ये स्फिंक्टर और इन पर इफेक्ट करता है, ये आप पढ़ लीजिए। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स क्या हैं,
इनका मेजर इफेक्ट तो नहीं है ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट पर, लार्जर डोजेस से हाइपरटेंशन या ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, और फ्लूइड रिटेंशन और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। हिस्टामिन रिलीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें जाहिर है हिस्टामिन रिलीज जब होती है तो उस वक्त अर्टिकेरिया और स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन और ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल से रिलीज़ होता है और उस वक्त वो वेजोडाइलेशन और ये जो एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिए, हार्मोन के एक्शंस देख लीजिए। एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स को इंक्रीज करता है तो यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवा सकता है, और लेबर में ये प्रोलॉन्ग कर देता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को, तमाम उनकी स्ट्रैंड ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर रहा होता है तो लेबर को प्रोलॉन्ग कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप इसके एडवर्स इफेक्ट देखिए, ये भी एक चार्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं ओपियोइड क्लास के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है एम्फाइसीमा के पेशेंट में और कोर पल्मोनेल के पेशेंट में, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर भी दिया है। वैसे आप सब जानते भी हैं कि एम्फाइसीमा इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू डैमेज्ड एयर सैक ऑफ लंग्स। लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं ये वाले वो डैमेज हो जाते हैं, इस कंडीशन को एम्फाइसीमा कहते हैं। जाहिर है उससे एपनिया होगा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगी। और कोर पल्मोनेल में एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है राइट साइड ऑफ हार्ट की, रीज़न अगेन उसका पल्मोनरी ब्लड वेसल्स या लंग्स का ही होता है। इन केसेस में आपने बहुत केयरफुली देना है मॉर्फिन को, क्योंकि वो जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है तो इन कंडीशन में ये लीथल हो सकता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो एलिवेट हो सकता है, तो अगर हेड इंजरी है तो वहाँ पर आपने बहुत एहतियात से देना है। यानी आपने एस्थमा में, लिवर में और रीनल डिसफंक्शनिंग अगर है तो फिर आपने इन कंडीशंस में बहुत केयरफुली पेशेंट को मॉर्फीन को देना होगा, ठीक है। एंड टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि इन एजेंट्स के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, क्योंकि ये यूफोरिया कॉज करते हैं तो इससे टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। और टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपको अब डोज बढ़ानी पड़ेगी फॉर द सेम इफ़ेक्ट ना। तो डिपेंडेंस यानी अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे तो पेशेंट उसके ऊपर विड्रॉ होने लगता है। कुछ एक्शंस इनके उन चीज़ों पर डिपेंड हैं, कुछ नहीं है, ये तुम लोग पढ़ लेना बच्चों। और ड्रग इंटरेक्शन कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो फिनोथायाजीन, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ अगर आप मॉर्फीन को दे दें तो इनका डिप्रेसेंट एक्शन बढ़ सकता है मॉर्फीन का ही ना, क्योंकि मॉर्फीन खुद सीएनएस डिप्रेसेंट है। तो इन ड्रग्स के साथ आप बहुत केयरफुली देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इस लेक्चर में स्टूडेंट्स अब केयरफुली मेरी बात सुनो, मैंने मॉर्फीन को डिस्कस किया है, इनके जो बाकी एजेंट्स हैं जैसे कोडीन है, मेथाडोन है, उनका मैं एक हैंडआउट आप लोगों से शेयर कर दूंगी। उसकी मैकेनिज्म यही है, इफ़ेक्ट्स यही हैं, थोड़े बहुत इफेक्ट्स और काइनेटिक्स वगैरह चेंज हैं, कुछ लेस पोटेंट होंगे, कुछ ज़्यादा पोटेंट होंगे। और इनका जो एंटागोनिस्ट है नेलोक्सेन और नेल्ट्रेक्सोन, वो मैं आप लोगों से LMS पे ही इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको रीड आउट कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।